नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवभूमि 360 पे। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित कसारदेव मंदिर के बारे में। साथ ही बात करेंगे कसारदेव में होने वाले एक ऐसे चमत्कार की जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने भी शोध किया हुआ है। कंप्लीट जानेंगे कसारदेव मंदिर को। वीडियो छोटी और नॉलेजफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आए। कसार देवी का इतिहास शुरू होता है आज से 2500 साल पहले, जब माँ दुर्गा ने कात्यायनी का रूप लेकर इस कश्यप पर्वत पर शुंभ व निशुंभ नाम के दो राक्षसों का वध किया था। लेकिन यह स्थान तब चर्चा में आया जब यहाँ 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ साधना की और मानसिक शांति की प्राप्ति की। यहाँ साधना करने से उनके अंदर मानव जाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आनंद को छोड़कर सामाजिक कार्य करने ही तो बाहर निकल पड़े। इसी तरह यहाँ डेनमार्क के रहस्यवादी अल्फ्रेड सोनसन आए और यहाँ 3 दशक से अधिक समय तक रहे। बाद के इतिहास में हिप्पी आंदोलन के अंतिम चरण में यह स्थान फिर चर्चा में आया। हिप्पी आंदोलन युवाओं का आंदोलन था जो 1960 के दशक में उभरा। कसार देवी मंदिर अपने पौराणिक महत्व और सुंदरता के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी चर्चा का विषय रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कसार देवी और इसके आसपास का क्षेत्र वैन एलियन बेल्ट है। यहाँ विशेष चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं जो ध्यान व तप के लिए इसे एक उत्तम स्थान बनाती है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब यहाँ शोध किया तो वे हैरान हो गए और पाया मंदिर के आसपास विशाल भूचुंबकीय पिंड है। नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में आज भी जुटे हैं। दुनिया भर में पेरू के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज के बाद कसार देवी एक ऐसा स्थान है जहाँ विशेष चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र से हिमालय और अल्मोड़ा शहर का दुर्लभ नज़ारा भी दिखता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ पर्यटकों ने अपना स्थायी ठिकाना इसे बना लिया है। कसार देवी घूमने वालों की पहली पसंद रहा है। यदि आप अल्मोड़ा शहर और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर कंप्लीट वीडियो हमने बनाई है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं।